गणेश टेरेकोटा का गणेश भगवान की मूर्तियाँ वगैरह दिया वगैरह लेने आए हैं। मतलब किस पर्पज से खरीदेंगे? मतलब कुछ शुभ होता भी है और एक सुंदरता भी होता है और इसी वजह से। ऐसा भी है कि चाइनीज भी लाइटों का बहिष्कार हो रहा है, तो आप किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? हम लोग भी नहीं लगाते हैं चाइनीज लाइटें वगैरह, दिया ही ज़्यादातर जलाते हैं। टेरेकोटा का दिया, मिट्टी का दिया, ये सब जलाते हैं। अच्छा लगता है जी, बचपन में भी जलाते थे, अब भी जलाते हैं। मतलब अगर जैसे बात करें कि टेरेकोटा की, तो क्या अलग होता है इसमें? मतलब देखने में सुंदर लगता है, अपना सजावट वगैरह में भी काम आता है, सुंदरता के लिए, और सब लोग लगाते हैं और अपने देश का भी थोड़ा वो होता है। हाँ हाँ जी, इसी माध्यम से आप जी लाइटों का जी जी जी। क्या नाम है? आनंद कुमार नाम है। आनंद, कितनी पढ़ाई की? मैं डिप्लोमा किया हूँ, डिप्लोमा करने के बाद फिर यही सब घर पे लगा हूँ अभी। क्या करते हो? टेराकोटा का काम है, यही सब मतलब घर वाले करते हैं, पापा पकड़ते हैं, इसी में मैं भी करता हूँ। क्या क्या बना लेते हो? मैं लगभग सभी चीज़ें बना लेता हूँ, हाथी, गणेश जी, घोड़ा, मतलब जो भी आइटम यहाँ बनता है सब बना लेता हूँ। अभी जैसे सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है मार्केट में? इस समय तो दिया आइटम, क्योंकि दिवाली है तो दिया आइटम जैसे नारियल दिया हो गया, कलश दिया, थाली, ये सब ज़्यादा इस समय डिमांड है दिए की। चाइनीज लाइटों का बहिष्कार चल रहा है, तो इससे तुम्हारे बिजनेस पर असर पड़ा? चाइनीज लाइट के जैसे बिजनेस पिछले साल के हिसाब से इस बार तो ज़्यादा डिमांड हुआ है, काहे कि चाइनीज लाइट बाज़ार मार्केट में थोड़ा प्रतिबंध है, इसलिए थोड़ा इस समय ज़्यादा डिमांड दिए हुए का है, तो वही आर्डर ज़्यादा मिल रहा है। अब काम हो रहा है अच्छे से? काम तो अच्छे से हो रहा है, आर्डर इतना मिल गया कि दिन भर इसमें लगना पड़ रहा है।